चलिए इसको ऐसा पूरी तरह से छील छील के रख लेती हूँ। हल्दी, इसमें थोड़ा पानी सींच लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से पकने देते हैं। और थोड़ी देर के बाद, हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो गाइस, मैं अभी अभी नहा के आया हूँ और अभी बजे हैं 3:49 हुई हैं। जब नहाने गया था तब मैंने देखा वहाँ पे केकड़ा थे, तो मैंने केकड़ा पकड़ के लाया हूँ। तो आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ। ये देखना गाइस, ये पकड़ के लाया हूँ, इतने बड़े बड़े हैं, ये देख सकते हैं, ये बहुत बड़े बड़े केकड़ा हैं। इनके मैं शाम के पत्तल से पुरवा बनाऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में। केकड़ा बनाने का तरीका अलग अलग स्टाइल होता है, हमारा स्टाइल है पत्तल से बनाना, तो हम लोग पत्तल से ही बनाते हैं। सब्जी भी बनाते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्तल से जब बनाते हैं ना तो स्वादिष्ट रहता है, मतलब टेस्टी, बहुत अच्छी लगता है। चलिए, हमारे महुआ सूख गए हैं कि नहीं देखते हैं जाके। चलिए, महुआ तो सूख गए लगता है, देखते हैं कैसा है। सूख गए हैं, अच्छी कड़े कड़े हो गए हैं एकदम मस्त। और ये वाला अभी गीला है। एक लोटा पानी दे, ये बहुत जम से प्यास लगी है, पी लेते हैं। गर्मी की सीजन है ना, पानी ही जीवन है। बस इतने पियेंगे, मजा आ गया। समझे ना, दोपहर के सोया, उठ जा, उठ जल्दी जल्दी उठ, देख ले 4 बज गए, उठ जल्दी उठ। कहाँ जाए भाई ये ताई? अच्छा, बर्तन मांज। 4 बज गए हैं, फटाफट से बर्तन मांज के ले आ, खाना पीना बनाने का स्टार्ट कर। तो चलिए गाइस, अभी हो गया है शाम, बहुत अंधेरा हो गया है, अभी बज गए हैं 8। चलिए गाइस, अब केकड़ा लाए हैं नदी से, उनको मैं बना के दिखाता हूँ। पत्तल से बनाऊंगा पुरवा, आप लोग बने रहना मेरे वीडियो में। यदि अगर शहर के यदि पत्तल से नहीं बनाना जानते होंगे तो ये वीडियो जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए गाइस, इनको सबसे पहले इनको धो लेते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद में इसको फिर से इसी पत्तल में रख लूँगा। तो इसको अच्छे से धो लेते हैं खलार खलार के। ये देखना, इतना बड़े बड़े केकड़ा मिलते हैं गाइस हमारे इधर की नदी में। चलिए, इसको ऐसा पूरी तरह से छील छील के रख लेती हूँ, इधर पत्तल में रख देती हूँ ऐसा। ये जो होते हैं ना, ये वाले, उनकी ये बुड़ी है, इसको हम लोग फेंक देते हैं। चलिए, इधर रख देते हैं पन्नी में। चलिए, इनको फटाफट मैं छील के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ। चलिए गाइस, मैं अच्छी तरह से उसको छील छाल के रख लिया हूँ, और इसमें अब हरदी मिर्चा नमक पूरा चीज़ एक साथ डाल देती हूँ। पहले डाल लेते हैं धना जी, इसमें पूरा मिक्स कर लेते हैं, थोड़ी सी और डाल दें, इतना हो जाएगा ना, इतना सा हो जाएगा धना। और डाल देते हैं हल्दी, इसमें ऐसा, और क्या डालना पड़ेगा इसमें, पीसी वाली मिर्ची, मिर्ची थोड़ा तेज ही खाता है हम लोग, केकड़ा में मछली में थोड़ा सा तेज ही रहता है। और डाल देते हैं नमक, ये देखना भाई साहब, ये नमक है, ये इसी वाला है, इसमें पूरा डाल देते हैं, इसमें हो जाएगा। इसमें थोड़ा पानी सींच लेते हैं, जी इसको थोड़ा अच्छा से मिक्स कर लेते हैं ऐसा। चलिए गाइस, मैं अच्छी तरह से नमक मिर्ची मिक्स कर लिया हूँ, और ये वाला पत्तल जो कि ऊपर से ढक दूंगा। चलिए, ढक देते हैं इसको ऐसा, सिकना लगा देंगे ऐसा करके, इसको सिल देंगे।
तो चलिए गाइस मैं पूरा इसको पत्तल से सिल दिया हूँ अच्छे से, और इसको मैं रख देता हूँ अब तवे पे। तो चलिए रख देते हैं इसके ऊपर, रख देते हैं ऐसा, इसको अच्छी तरह से पकने देते हैं, और थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर रख दूंगा आगी, क्योंकि आज बहुत अंधेरा हो गया है ना। मैं केकड़ा लाया था इसलिए मैं अभी शाम की वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो पहले से मैं वीडियो बना के रख लेता, क्योंकि अभी ही समय मिला है मेरे को केकड़ा बनाने में। तो आप लोग कैसे खाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम लोग तो पुरवा भी खाते हैं केकड़ा के, जैसे कि मछली हो गया उनका भी, उसकी सब्जी भी बना लेते हैं, लेकिन पुरवा पत्तल वाले ना बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग कैसे खाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब चलिए इसके ऊपर अंगार रख देते हैं, ऐसे वाले तोड़ तोड़ के इसके ऊपर ऐसा रख देते हैं ताकि जल्दी से पक जाए, ऐसे नीचे ऊपर के आग ही पड़ेगा ना कि जल्दी से पक जाएगा। इसके ऊपर अंगार रख दिया हूँ और इसको अब पकने देते हैं 10 से 15 मिनट तक, इसको अच्छे से पकने देते हैं, उसके बाद में इसको खोल के देखेंगे। चलिए गाइस देखते हैं, अब हमारा पुरवा चुर के रेडी हो चुका होगा। ये देखना गाइस पूरा पक के और रेडी हो चुका है, इसको उतार उतार भैया। ये देखना ये पूरा पक गया, इसके ऊपर के आगे हैं जो इसको मैं अलग कर देता हूँ। हाँ हाँ बच्चे चुर गई, इसको देखते हैं खोल के इसको अच्छे से फूंक मार देते हैं ऐसा, देखते हैं खोल के। पहले इसको तो नीचे रख लें तवा से, ऐसा इसको यहाँ रख देते हैं, गर्म है, देखते हैं इसके सिकना को खोलना पड़ेगा पूरा ऐसा, तब जाके ये निकल पाएगा। ऐसा पूरा खोल लेते हैं इसको। चलिए अच्छे से खोल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। चलिए अच्छे से खोल लिया, अब देखते हैं पूरा इसको खोल के। ये देखना गाइस ये पुरवा, ये देखना इसको खाने में अब ना बहुत टेस्टी लगेगा। चलिए अब खाना पीना बनाते हैं एक साथ और खाते हैं। संध्या तो सोने लगा न, खाए ना भैया, ये बैठ गए हैं चकाचक, थोड़ी अंधेला है हमारा घर में। तो चलिए गाइस ही सब बन गया है, और रोटी है और दाल है और केकड़ा है, तो चलिए खा के देखते हैं। ए संध्या उठ जा, संध्या उठ खा। तो चलिए गाइस दिखाते हैं खा के कैसा है, टेस्ट करके देखते हैं। बहुत टेस्टी है, इसकी आवाज़ आता है ना ज़्यादा कर 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 कर, ये देखना। चलिए अब ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और चलिए मिलते हैं एक प्यारा सा ब्लॉग में कल वाले ब्लॉग साथ, तब तक के लिए बाय।